हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। तो ये है आपका रिम कवर, देखिए जो मैंने लगाया है। मतलब अभी जब पेंट होने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा तब बहुत ही प्यारी लगेगी। ग्राइंडर, ग्लू गन, सारे इक्विपमेंट। फ्रेंड्स ने मेरे कमेंट किया जब मैंने स्टोरी लगाई थी उस पर, और कई रैंडम लोगों ने भी बोला और कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है मौसम बहुत बढ़िया और आज मेरे लिए थोड़ा स्पेशल वीडियो ये, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना नया प्रोडक्ट जो मैंने डिज़ाइन किया है अपने वर्कशॉप पर, जो कि है आपका रिम कवर। एग्जैक्टली तो उसको दिखाते हैं अभी। तो उसको बनाया था मैंने, ऑलमोस्ट 3-4 दिन से उसी पे काम कर रहे हैं। उसका प्रोटोटाइप मैंने अभी अपने पीछे वाले रेयर टायर पे लगाया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत ही सेक्सी लग रहा है। कई लोगों ने बताया, मतलब अपना रिव्यू दिया कि बहुत बढ़िया है, और अभी उसको टेस्टिंग में है वो। मतलब मैंने उसको लगा के देख रहा हूँ कि उसकी फिटिंग विटिंग कैसी आ रही है, सब कुछ। और बहुत ही प्यारा है, आप देख के बताइए कैसा लग रहा है। तो ये है आपका रिम कवर, देखिए जो मैंने लगाया है, बनाया है, पूरी तरीके से इंस्टॉल किया है, बहुत अच्छे से फिटिंग करी है मैंने इसकी, और बहुत अच्छे से अभी इसको पेंट वेंट करना है, फाइनल टचअप देना है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, लिटरली बहुत प्यारा। मटेरियल की मैं डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा मैं रखना चाहता हूँ प्राइवेट। और ये अपनी गाड़ी लग रही है बिल्कुल ही सेक्सी, मतलब अल्ट्रा सेक्सी लग रही है। मतलब अभी जब पेंट होने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा तब बहुत ही प्यारी लगेगी। और ये प्रोडक्ट ऑन सेल मैं डेट अपने इंस्टाग्राम पे रिवील करूँगा, तो ट्यून रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि कब ये आएगा। और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आरसी के लिए बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही फिनोमिनल होंगे। अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, सबको डालेंगे उसमें और बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम रिवील करेंगे और बनाएंगे। तो अभी कुछ टाइम की बात है, चलते हैं राइड पर फिर से। रिम कवर से जो गाड़ी पे लुक आ रहा है निखर के, वो बहुत ही प्यारा है। मतलब बिल्कुल ही गाड़ी स्पोर्टी लग रही है, बिल्कुल कैफे रेसर का हल्का सा टच है जो पीछे वाले टायर पे आ रहा है, इससे बहुत ही सेक्सी लग रहा है। लिटरली बहुत फ्रेंड्स ने मेरे कमेंट किया जब मैंने स्टोरी लगाई थी उस पर, और कई रैंडम लोगों ने भी बोला कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी उससे बिल्कुल निखर के आ रही है, ये सब तो मज़ा आ रहा है। ऐसे रिव्यूज़ सुन के मज़ा आती है कि हाँ हमने कुछ बनाया, और शायद लोगों को भी पसंद आएगा जब हम लास्ट इसका जो प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनली रिवील करेंगे बना के, वो बिल्कुल ही ऑसम होने वाला है। तो ट्यून रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत चैलेंजिंग था इसको बनाना, क्योंकि साइज़ बार बार डिफर हो जा रहा था, कभी होल्स की मिसमैचिंग हो रही थी, और बहुत चीज़ें हैं जो डिटेल बताने लायक नहीं है, क्योंकि आपको बताने से मैं बोर नहीं करना चाहता। देखते हैं, और भी जो मैं अभी प्रोडक्ट्स बनाने वाला हूँ उनको अभी रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं आधा प्रोसेस जब कम्प्लीट कर लेता हूँ तब मैं रिवील करता हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम है और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, और बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। ये नहीं कि जो मार्केट में पहले से ही है उन्हीं डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट, नहीं, ये पूरे कस्टम है जो मैं खुद बनाता हूँ अपनी वर्कशॉप में। तो बहुत ही मज़ा आएगा। आजकल बारिश भी बहुत अजीब तरीके से हो रही है लखनऊ में, कहीं मेरी तरफ उधर साइड देखिए आई एम रोड पर बारिश हुई ही नहीं, और यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है, और बारिश भी ऐसे हो रही है कि धूप के साथ बारिश हो रही है। धूप है बिल्कुल तगड़ी और बारिश हो रही है, अजीब ही माहौल चल रहा है लखनऊ में बिल्कुल, जो कि आई थिंक सही भी नहीं है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के वजह से होता है। रात्रि के लिए तो विश करना भूल ही गया, आज से तो नवरात्रि शुरू है, और तो मतलब पूजा हो रही है आज, तो हम लोग आज घर पे होंगे। लेकिन कॉलेज मैंने देखा है खुले हैं, मेरा भी कॉलेज खुला था आज। अरे अरे अरे, लग रहा है आज ये एवेंजर उड़ा देंगे। पब्लिक कुछ ज़्यादा ही तगड़ी एवेंजर चला रहे हैं। हाँ भाई, बस बस 2-3 विंगलेट लगा लो, उड़ जाओगे तुम, बस अमेरिका चले जाओगे, बस वहीं लैंड करोगे डायरेक्ट। अच्छा यहाँ लखनऊ में क्या कर रहे हो तुम? और ये रहा हमारा रूमी गेट, लखनऊ की शान भाई, जो भी बोलो प्यारा तो लगता है। बारिश के बाद शहर भी कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगने लगता है, क्योंकि सब कुछ क्लीन लगने लगता है। चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मज़े करते हैं, अब यही करने आया था मैं फ़िलहाल। इतने दिनों से घर में था मैं, वर्कशॉप में काम कर रहा था कि कहीं निकल ही नहीं पा रहा था, आज 4-5 दिन बाद निकला हूँ। तो अभी चलते हैं घर पे और कुछ वर्कशॉप पे काम करते हैं इसी को लेके। पेंट कर दिया है और अब वेट करना है सूखने का, अभी देखते हैं, लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, 8 बज चुके हैं और लेट होने वाला है लग रहा है।
पूरी तरीके से और अब वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। अब कल पूरा कंप्लीट करेंगे जो करना होगा, तो अब रेडी होते हैं। पहले अपने घर पे ये सब काम करने का मज़ा ही अलग होता है क्योंकि आप सामान कहीं पे भी छोड़ के जा सकते हो। लो मजाक कर रहा हूँ, पता होता है कि आप सामान छोड़ सकते हो भरोसे पे क्योंकि घर पे कोई नहीं छुएगा। ये तो सामान शायद आपको नहीं दिखाया, ये सब मेरे इक्विपमेंट्स हैं, ग्राइंडर, ग्लू गन, सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये टूल्स हैं, स्क्रू ड्राइवर का पूरा सेट है, वो भी एक और सेट है, ये ड्रिल मशीन, ये पेंट बॉक्स है पूरा, और ड्रायर है मैटिंग वैटिंग करने के लिए, इसमें अलग सी एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं जो आपको फुर्सत से किसी दिन दिखाऊंगा। अभी तो सब ये सब रिंचेज हैं और सब कुछ है, सब कुछ मेस्ड अप पड़ा हुआ है क्योंकि काम होता है तो फिर सब कुछ हड़बड़ी में होता है। और ये पूरा हमने सेट किया था, इस पर हम ना लिखवाएंगे इंजीनियर राइट्स और ये सब। तो ये आपका वेल्डिंग मशीन पड़ी हुई है जो टिक वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दोनों है, और ये आपका इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है जो कि बहुत साइलेंट है, बहुत अच्छा है। ये कटर है हमारा, जब एग्जॉस्ट एग्जॉस या कुछ और मॉड्स करते हैं तब काम आता है। ये बेंच ड्रिल है, ये रहा मेरा डबल एग्जॉस्ट RC का, लियोवेंस का। और ये सब देखिए, जुगाड़ में पंखा लगा रखा है। पंखा असल में इसमें इसने रखा है क्योंकि सडनली जब काम वाम करने लगे थे, जब ये सेट हो रहा था तो मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन अब इसको सेट करवाएंगे। या मैं तो प्लान कर रहा हूँ AC लगवाने का क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है काम करते करते। अब पर्सनल है तो कुछ बेनिफिट तो उठा ही सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब गाड़ी बाहर निकालते हैं। ओ भाई, जैसे घुसेड़ा था वैसे ही निकालना पड़ेगा जुगाड़ से करके, स्टैंड लगा के इसको ऐसे घुमाए। बाप रे, सब कितना मेस्ड अप है। तो ऐसे निकालेंगे आके, भाई बड़ा जाम हो जाता है अंदर करना। असल में सुबह सुबह करो तो एनर्जी होती है, और इतना काम करने के बाद तो थकावट हो जाती है पूरी। और ट्रिगू भी समझ गया है कि हम जाने वाले हैं, और खड़ा हो गया। और उपलू मेरे आओ, इससे भी आपको नहीं मिलाया था। ये मेरा ट्रिगर है, रॉड बिलर, इसका नाम ट्रिगर है, कुछ खिला देते हैं। चलो चो जा रहे हैं, बाय। रात हो गई है और सुबह आए थे हम लोग 11 बजे के आसपास, और टाइम हो रहा है अब ऑलमोस्ट 8:30। तो भाई थक जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम होती है। अब ब्लॉग बनाने का सोचा था और ढंग से बना भी नहीं पाए, क्योंकि अब जब प्रोजेक्ट में काम करने लगता हूँ तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि ब्लॉग के बारे में भूल जाता हूँ, और हाथ पाथ बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, तो कैमरा टच करना उस समय सही नहीं होता है, तो गंदा अंदा हो जाएगा, और मतलब ग्रीस वीस लगी होती है बहुत कुछ, तो नहीं हो पाता है। तो उस समय अवॉइड ही करता हूँ कैमरा टच करना, तो ये सीन हो जाता है। अब शाम हो गई, रात सॉरी हो गई निकलते निकलते, तो ये सीन हो जाता है। लेकिन बहुत प्यारा बन रहा है प्रोडक्ट, बहुत ही प्यारा, मतलब मैं उसको पूरी तरीके से रिवील नहीं कर रहा हूँ। जब मैं गाड़ी में लगा लूँगा जिस दिन अच्छे से, उसमें जब ग्राफिकिंग करवा लूँगा तब उसको मैं दिखाऊँगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम कल उसको अच्छे से फिनिश पेंट कर दिया है, अब उसको जिस पे प्राइमर जो भी लगाना है सब सेट करेंगे उसको, और उसके बाद लगाएंगे और फिर ग्राफिकिंग करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आएगा कि कैसी लग रही है गाड़ी अपनी, और बहुत ही प्यारी लगने वाली है ये तो कंफर्म है, क्योंकि जब ऐसे ही इतनी अच्छी लग रही थी जिस पर पेंट नहीं किया था उतने पे ही गाड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, जब पूरी गाड़ी फिनिश हो जाएगी तब तो बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा। बस सब घर निकलेंगे, फ्लैट जाएंगे, आराम से बैठेंगे, रेडी होंगे और फिर बिस्तर पर लेट जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए मैं जानता हूँ ज़्यादा नहीं दिखा पाया, लेकिन यही था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया कि प्रोडक्ट क्या बनाने वाला है। सेकंड प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। हाँ, वो आजकल मार्केट में चल रहा है जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, लेकिन वो इतना स्टाइलिश और उतना तगड़ा नहीं है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत मैंने उसकी कंप्लेंट सुने हैं। तो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और देखते हैं वो प्रोजेक्ट कैसा जाएगा। लिटरली आप लोग को भी अगर आप गाड़ी में अपने इंस्टॉल करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही आपकी गाड़ी ओवर सेक्सी लगेगी, बहुत ही तगड़ी, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यही था इस ब्लॉग में, टिल देन बाय, सी यू ऑल अगेन, और चैनल को सब्सक्राइब करना
और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा, लिंक या अपना इसका इंस्टाग्राम हैंडल बता दूँगा, फॉलो कर लीजिएगा। उस पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कि कब मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको लिटरली वो लगा के। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।